मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ और भी स्ट्रगलर जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? ब्रजेश यादव। ब्रजेश यादव, ये तो हमारे सैफई वाले हैं। तो हम लोग अब एक से दो, दो से तीन होते जाएंगे, और ये स्ट्रगल का एक अपना ही मज़ा है कि अगर आप अकेले घर से निकले हो तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपके साथ चलने वाले। तो चलिए, अभी तो अकेले थे, थोड़े से उदास थे, अब बहुत लोग साथ हैं तो चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सफ़र। अब हम लोग चलते हैं एंटी कास्टिंग की तरफ। तो अगर रास्ते की बात करें हम, तो ये पार्ट वन आराम नगर में पड़ता है, तो बड़ी पतली पतली गलियाँ हैं, आप लोग तो भूल भी जाओगे, फिर भी आप देखो अगर कुछ आपको ये जो बंगलो नंबर लिखे हुए हैं 132 के बगल से या वहाँ से राइट लेने का, वो आप देख लेंगे खुद, क्योंकि गूगल है यार, आप उस पर सर्च करके कहीं भी जा सकते हो। मैं भी पहली बार आ रहा हूँ, आपको लग रहा है मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए आराम नगर में आके। तो ये देखिए गलियाँ कहीं ना कहीं मिलती हैं, ये ज़िंदगी की खासियत है कि आप निकलो कहीं ना कहीं जुड़ जाओगे। जैसे नदियाँ समंदर से जुड़ जाती हैं, नहरें खुद खुद के लोग जोड़ देते हैं। वैसे नहरों में ज़्यादा मेहनत है क्योंकि उसको आदमी खुद अपने आप से ट्रंच करता है, खुद खोदता है और उसके बाद अपने यूज के लिए पानी का इस्तेमाल करता है। ऐसे ही ज़िंदगी है, ऐसे ही एक्टिंग है, हर एक चीज़ को किसी ना किसी से जोड़ा जा सकता है। अभी मैं इधर आया था तो बिल्कुल अकेला था, आप देखो मैं जुड़ गया, चार लोग मिले, चार लोगों से इंट्रोडक्शन हुआ। और आराम नगर है, आप यहाँ की कंजेस्टेड एरिया तो देख ही सकते हैं। अगर आप कहीं गांव से आ रहे हैं या दिल्ली से आ रहे हैं या स्पेसफुल एरिया से आ रहे हैं तो बिल्कुल भूल जाओ भैया कि यहाँ आप सांस भी ढंग से नहीं, सांस तो ले सकते हो, हवा अच्छी आती है। हवा तो बहुत अच्छी आती है, मतलब हवा के साथ साथ ना आपको अगर रहने की जगह और कहीं सही मिल जाए, जैसे मुझे मिल गई है, मैंने वीडियो बनाए हैं आपको, तो वो फिर मतलब एक अच्छा कॉम्बिनेशन और प्लस पॉइंट जुड़ जाता है आपकी एक्टिंग करियर के लिए। हाँ तो हाँ, कुछ लोग वही है ना कि जब हम चलते हैं तो लोग मिलते हैं और जुड़ते हैं और एक अच्छा नेटवर्क तैयार होता है और फिर हम एक्टर भी बन जाते हैं। मतलब जो बनना चाहो यार, एज ए एक्टर नहीं, आप कुछ भी बनना चाहो, बस आप स्टार्ट करो उस काम को करना, जैसे कि मैंने कर दिया है इस मुंबई मिक्स मसाला की प्लेलिस्ट के साथ। क्योंकि हमें कभी बन के हिंदू, कभी बन के मुस्लिम, पर कभी बन के सरदार जीना है, और दुनिया में आए हैं हम, हमें हर किरदार जीना है। तो ये शायरी का कारवां भी चलता रहेगा, लोग मिलते रहेंगे और बहुत सारे लोग इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ के स्ट्रगल को, आप देख सकते हैं। जैसा कि आप 72 की तक कहाँ गया, 72 आगे है। तो हाँ, यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा क्या नंबर है, वो अगर नंबर पता है तो बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है एफ टी सी, थोड़ा सा पास चलते हैं, आओ FTC के। तो ये है FTC जो कि सुनील सेठी जी का, और बहुत फेमस है, इनका ऐप भी है और बहुत सारी चीज़ें आपको इनकी वेबसाइट भी मिल जाएगी, और ये अच्छे से आपको ऑडिशन दिलवाते हैं, आपको काम भी दिलवा सकते हैं। क्योंकि मैंने तो अभी कुछ किया नहीं, ऐप तो डाउनलोड कर लिया FTC का, बट आई डोंट नो अबाउट मोर देन कि FTC यहाँ है और इसके अलावा क्या है, ज़्यादा नहीं पता मेरे को। तो ये FTC का देखिए साइट, आपको ऐसा लगेगा कहाँ यार ये सुनील सेठी जी ने बना दिया, लेकिन आप अगर देखेंगे तो यहाँ से सितारे निकलते हैं, यहाँ से कोई भी अपनी लाइफ को एक चांस दे सकता है, अल्टीमेट चांस वो भी। ये देखिए इसका नंबर है 41, FTC है ना ये, आप यहीं पे हो। तो ये है भैया अभी गेट पे, और नाम क्या भैया आपका? विवेक सिंह। विवेक सिंह जी, तो ये विवेक सिंह जी हैं। तो कैसा यहाँ पे, क्या लोग आते हैं डेली ऑडिशन के लिए? हाँ डेली आते हैं, इंट्रो भी होते हैं ऑडिशन भी होते हैं, इंट्रो भी होता है ऑडिशन भी होता है, इंट्रो भी होता है ऑडिशन भी होता है। तो आप अपनी दम लगा के आओ और देखो कि क्या हो सकता है आपका, क्योंकि अगर आप घर से नहीं निकले और ये सिर्फ वीडियो देख के रह गए या और किसी का वीडियो देख के रह गए तो फिर रह ही जाओगे। कुछ करने के लिए घर से निकलना पड़ता है और दुनिया की भीड़ में शामिल होना पड़ता है, तभी आप एक रास्ता अपने लिए बना सकते हो जब आप दूसरों के रास्तों के साथ चलेंगे। तो ये लाइफ का मतलब, ये लाइफ बड़ी प्यारी लगती है यार। मैं क्या मतलब, इतना ज्ञान है मेरे पास जीवन के बारे में, लेकिन मैं कुछ जब ये आप जब मैं इस इंडस्ट्री में कुछ कर पाऊँगा तब मेरी ये प्लेलिस्ट सार्थक होगी, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ ज्ञान दे रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने ज्ञान बांट रहा हूँ, लेकिन यार रियल में ज्ञान लेने से भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ऑब्जर्वेशन आपकी बढ़ती है और आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है ये ज्ञान। जैसे कि मान लीजिए आप कभी परेशान हैं तो किसी ने कोई बात कही तो वो जब आपको याद आती है तो रियली वो चीज़ आपको लाइफ भर एक सुकून देती है। सुकून चल रहे हैं एक
एंटी कास्ट करके, इसका नाम मैंने बड़ा सुना है यूट्यूब पे, एंटी कास्ट करके, ये कास्टिंग, एंटी कास्टिंग। चलिए मैं आपको एक बार एड्रेस दिखा दे रहा हूँ, और अब आप ये मत पूछना नंबर, यहाँ पे नंबर नहीं पड़ा। ये देखिए एंटी कास्टिंग बहुत ही फेमस जगह है। जगह क्या है ये एंटी कास्टिंग, मतलब वही अपना ऑडिशन वगैरह इंट्रो वगैरह चलता रहता है। और ये 79 है क्या है? हाँ, 79 एड्रेस आप एक बार फिर देख लीजिए। तो ये ज़बरदस्त, चलिए मैं आपको बैक, मतलब सॉरी फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ एक बार। गाइस ये है एंटी कास्टिंग, जो कि आपके लिए और एज ए एक्टर अगर आप खुद को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त जगह है। यहाँ पे आके आप अपना इंट्रो दे सकते हैं और एक चांस पा सकते हैं अपनी लाइफ में। तो चलिए यहाँ पे अभी इंट्रोडक्शन नहीं हो, कुछ करना तो होता है। हम जब आते हैं यहाँ तो मेहनत तो बहुत पड़ती है, दुख भी बहुत पड़ते हैं, मगर कुछ बनने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये इनका पहला इंट्रो है इसलिए ज्ञान दे रहे हैं। अभी 5 महीने बाद अगर ये मिले तो फिर मैं देखता हूँ। तो अच्छा है अगर कोई माइक पकड़ के बोल रहा है तो मतलब दम है बंदे में, पहले ही बार इतना कॉन्फिडेंस हर किसी को कहाँ मिलता है। और एक इंट्रो दे दिया है यार, और बहुत अच्छी जगह दिया है हम लोगों ने, इंट्रो अच्छी जगह इंट्रो दिया है। तो चलिए आप देखते हैं एक बार यहाँ पे भी। भैया यहाँ पे इंट्रो चल रहा है क्या? चल रहा है तो लाइन में लगना, किधर क्या करना पड़ेगा, इधर बैठना पड़ेगा। तो ये पीछे आप देख सकते हैं, मैंने पूछा है तो वो कह रहे हैं कि इंट्रो चल रहा है। तो चलिए हम बैठते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो गाइज एक और कास्टिंग कंपनी के पास हम आ गए हैं अपना इंट्रो देने। जैसा कि आपको पता है हम पहला इंट्रो देने आए थे और अब ये दूसरा हो गया। मतलब आराम नगर में आओगे, आराम तो आराम होगा लेकिन काम भी होगा। तो गाइज देखिए लाइन की अगर हम बात करते हैं तो मेरा नंबर सबसे पीछे है, वैसे भी मैं ज़िंदगी में भी सबसे पीछे हूँ। तो देखिए अब पूरा लाइन लगी हुई है लास्ट तक। देखिए लोग इसको ही शायद स्ट्रगल कहते हैं, आई थिंक इसको ही कहते हैं ना स्ट्रगल, लाइन में लग के वेट करना, अपने पेशेंस को बनाए रखना, तो इसको कहते हैं स्ट्रगल। बेसिकली अगर आप पैसन के लिए इतना भी नहीं करते तो भैया मुंबई मत आना, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल मत आना, क्योंकि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आई थिंक आपको नहीं आना चाहिए। क्योंकि आप अपना समय बर्बाद करो, अपनी गर्लफ्रेंड का करो, अपने माँ बाप का करो, साला गर्लफ्रेंड भी हाथ से चली जाए, समझ रहे हो ना। मैं भी छोड़ के आया, मतलब मैं नहीं छोड़ के आया हूँ, मैं तो स्ट्रगल करने आया हूँ क्योंकि मैं पैसन के लिए आया हूँ। तो गाइज़ जैसा कि आप देख रहे हैं मैं भी लाइन में लग चुका हूँ, और ये आज का जो वीडियो है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो मेरी इस लाइफ में, मतलब इस वाले किरदार में एज ए एक्टर मैं खुद को पहली बार स्ट्रगल की तरफ बढ़ा रहा हूँ। तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो और मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा। और आप भी हमारी मुंबई मिक्स मसाला प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मुंबई से जुड़ी, खासकर बॉलीवुड से जुड़ी मिलने वाली। तो चलिए लग जाते हैं चुपचाप से लाइट में। क्या इंट्रोडक्शन भी कराएं? चलो करा लेते हैं। भैया कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको? और ये ऐसा बंदा पूछ रहा है जो पहली बार इंट्रो देने आया है। जी बिल्कुल नहीं, मैं भी आपकी तरह नया हूँ। आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है एक्टिंग के मामले में? एक्टिंग के मामले में तो पिछले 4-5 साल थिएटर कर रहा हूँ, 3 वेब सीरीज करी हैं, 4 सीरियल कर चुका हूँ। और अब पैर कहाँ हैं आपके? बस एक ही बात करें, बस सीख रहा हूँ। तो ये भी बहुत अच्छी बात बोल दी कि यार मतलब मैं तो कुछ नहीं हूँ यार, आप सोचो। मैं वैसे तो आपके लिए हूँ क्योंकि आप मुझे देख रहे हो, वैसे मैं कुछ नहीं हूँ, यहाँ इतना एक्सपीरियंस लेके लोग खड़े हैं। अब तुम चाहते हो कि पहली साल में मुंबई में हीरो बन के पूरा नाम कमाना? एक ही बात कहनी मुझे आपके चैनल के माध्यम से कि ये पेशेंस की लाइन है, और जिसको भी आना ना पेशेंस लेकर आए, भागो नहीं यहाँ पे आके, केवल और केवल पेशेंस है, वही एक्टिंग है बस। देखिए भैया काम अच्छे अच्छों की पोल खोलता है, आज ये साबित हो गया कि एक्सपीरियंस बोलता है। तो भैया आप प्लीज़ एक बार हमारे, इनका लुक बड़ा प्यारा लग रहा है एकदम ज़बरदस्त, क्या नाम है भैया आपका? थैंक यू सर, मेरा नाम साहिल खान है, मैंने 2 मूवीज़ की है। वाह, एक सुनील शेट्टी सर के साथ और एक की है मैंने ऐसी हॉरर मूवी, वो भी एडिटिंग पे है, द गेम ऑफ उल्लू, काफ़ी सारे सीरियल्स। फिर भी अभी आप अपनी लाइफ को एस्टेब्लिश समझते हो इस फील्ड में या नहीं? नॉर्मली चल रहा है, नथिंग मोर एस्टेब्लिश। मतलब स्ट्रगल यार, देखिए एक्टर अगर एक्टर मेरे हिसाब से बनना है तो स्ट्रगल को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, जो कभी छोड़ो नहीं। यार गर्लफ्रेंड तो छोड़नी पड़ती है यार, कोई और नहीं नहीं, स्ट्रगल को गर्लफ्रेंड बना लो, मेरा मतलब है स्ट्रगल से इतना प्यार करो कि भागो नहीं। नो, यू कैन नॉट से गर्लफ्रेंड, बिकॉज क्या पता सामने वाली कोई और लड़की अच्छी लग गई। अपना पैशन बनाना चाहिए, एक मंजिल बनाना चाहिए कि हमें यहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है, एक जुनून होना चाहिए। तो गाइज बहुत सारी जानकारी देखो मिल रही है यार, मुझे भी मिल रही है, आपको भी मिल रही है, और ये जो स्ट्रगल है हम लोग साथ करेंगे और बहुत ज़बरदस्त होगा ये स्ट्रगल, क्योंकि लाइव शूट कर रहा हूँ मैं कुछ आपको
एडिट करके दिखाने वाला नहीं हूँ, जो लाइव मैं कर रहा हूँ, जो स्ट्रगल की लाइन में मैं लगा हूँ वही दिखा रहा हूँ, और आपको आई होप बहुत पसंद आएगा। तो चलिए देते हैं ये इंट्रो, फिर मिलते हैं आपसे, तब तक लिया।